भिवानी के विद्यानगर में पहुंची महिला कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष वंदना पोपली ने कहा कि 7 अगस्त को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में महिला कांग्रेस के लिए अलग से घोषणा पत्र, झंडा और लोगो पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी लॉन्च करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर वे हरियाणा भर का दौरा कर रही हैं। वंदना पोपली ने हरियाणा में महिलाओं की दुर्दशा पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि बीजेपी में महिलाओं पर अत्याचार दुगना जाफा हुआ है, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री खट्टर चुप्पी साधे हुए हैं। यहाँ भिवानी में मैं आई हूँ आमंत्रित करने के लिए, क्योंकि 7 अगस्त को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक महिला अधिकार सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें दो नई बातें होंगी। सबसे पहले जो महिला कांग्रेस है उसका एक अलग से झंडा और एक लोगो लॉन्च होने वाला है। दूसरी बात ये होगी कि वहाँ पर एक हम नए तरीके से एक जो घोषणा पत्र है महिलाओं के लिए अलग से, उस पर डिस्कशन हमारा होगा, जिसमें पूरे देश से आई महिलाएं अपने विचार रखेंगी कि महिलाओं के लिए अलग से किस तरह से घोषणा पत्र हो सकता है। ये दो नई चीज़ें होंगी इस महिला अधिकार सम्मेलन में। और यहाँ पर जो झंडा और लोगो लॉन्च होगा वो माननीय जो हमारे कांग्रेस के अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी के द्वारा होगा, और उसकी अध्यक्षता हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्षा सुष्मिता जी करेंगी। क्योंकि पूरे हरियाणा भर से तकरीबन 5,000 महिलाएं इस सम्मेलन में पहुंचेंगी। इससे कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, आम आदमी की थाली से रोजी दाल रोटी जो महंगी हुई है, आज मुझे लगता है कि हम लोग इस चीज़ से नहीं डरते कि क्या कंडीशन है, हम लोग इस चीज़ से डरते हैं कि जो बेरोजगार व्यक्ति है वो क्या करेगा, जो पढ़ा लिखा है मैं उसको देखकर इसलिए डरती हूँ कि वो छोटा काम नहीं करेगा। अगर उसने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, बीए पास है, एमए पास है, वो छोटा काम नहीं करेगा, वो जाकर कहीं ना कहीं क्राइम में इन्वॉल्व होगा। इसलिए मुझे लगता है हरियाणा में भी जो क्राइम जिस तरह से बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए, महिलाओं के खिलाफ रेप की राजधानी बन चुका है हरियाणा, किस तरह से गैंग रेप में नंबर वन हो चुका है, महिलाओं बड़ी महिलाओं को छोड़िए कि छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। और हमारे मुख्यमंत्री कुछ नहीं कहते, मोदी जी कहते थे कि एक्ट नहीं एक्शन चाहिए, कहाँ है वो एक्शन। महिलाएं हैं निकल कर आएंगी अपने सम्मान के लिए, अपने अधिकारों के लिए इस सम्मेलन में पहुंचेंगी। महिलाओं के लिए पहली बार कांग्रेस ऐसा करने जा रही है कि अलग से महिलाओं के लिए घोषणा पत्र होगा, जिसके लिए पूरे देश भर की महिलाएं इस सम्मेलन में अपने विचार रखेंगी, वो बताएंगी कि क्या क्या होना चाहिए इस घोषणा पत्र में, और उसी हिसाब से घोषणा पत्र तैयार होगा। यहीं पर भी कोई गुटबाजी नहीं है, सभी अपने लेवल पर काम कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो है मतभेद हो सकते हैं, वो तो एक परिवार में भी हो जाते हैं, लेकिन मन भेद नहीं है। अल्टीमेटली आपको दिखेगा कि कांग्रेस पूरी शक्ति के साथ वापस आ रही है और देश में और प्रदेश में कांग्रेस वापसी की ओर है।